रहा हूँ। इतना शानदार व्यू शायद आपने देखा हो, ये घाट है और घाट बिठूर तीर्थ नगरी के बारे में आप सभी भक्तों को कुछ बताना चाहते हैं कि बिठूर नहाने गए हो क्या? यहाँ 52 राजाओं के 52 घाट बने हुए। बिठूर में एक ऐसा पेड़ लगा है जो कि दीवार से निकला हुआ है। तो भैया सफर है सुहाना और मूड है कहीं बेहतरीन जगह जाना, तो आइए बेहतरीन जगह मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाऊंगा कुछ बेहतरीन से नज़ारे। आज हम चलेंगे कानपुर के बिठूर में और घूम के आते हैं बिठूर के वो शानदार दृश्य जिनसे आप लोग अभी तक वंचित। तो बिठूर में जब भी आप आएंगे तो आपको एक ही जिक्र सुनाई देगा कि बिठूर नहाने गए हो क्या। अगर बिठूर नहाने गए हो और नहीं गए हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही बहुत खास है। इस वक्त मैं बिठूर के गंगा के घाट पे खड़ा हूँ, वो बिठूर जो आज ऐतिहासिक धरती है, क्रांतिकारी धरती है। बिठूर का ये किनारा जो आप देख रहे हैं गंगा से सटा हुआ है, ये पूरा ही पूरा इस पार से लेके उस पार तक दोनों ही हिस्सा आपको दिखाया जा रहा है इसमें। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये बिठूर का सबसे शानदार व्यू देने वाला है, तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतना शानदार व्यू शायद आपने देखा हो, ये घाट है और घाट का सबसे ऊपरी हिस्सा जहाँ पर मैं खड़ा होकर के इस व्यू को शूट कर रहा हूँ, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा घाट का नज़ारा आपको बड़ा ही अचंभित कर देगा। बिठूर की ये धरती आज भी अपने कई रहस्यों से लिप्त है और कुछ ना कुछ आज भी रहस्य उजागर होते रहते हैं यहाँ। देखिए जिस जगह अभी मैं बैठा हूँ ये एक्चुअली बहुत ऊपर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ से नीचे जो है बहुत ज़्यादा नीचे है। मैं यहाँ का बिठूर का तीर्थ पुरोहित पंडित नवल किशोर द्विवेदी, हमारे साथ में बगल में हमारे आचार्य बैठे हैं श्री गोपाल जी उपाध्याय। आज मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में बिठूर तीर्थ नगरी के बारे में आप सभी भक्तों को कुछ बताना चाहते हैं। बिठूर है क्या? बिठूर एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक एवं पौराणिक। बिठूर में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है। ब्रह्मा जी का पूजन पूरे वर्ल्ड में दो ही जगह हैं, जैसे पुष्कर जाइए, पुष्कर में ब्रह्मा जी की मूर्ति है, हमारे यहाँ ब्रह्मा जी की चरण पादुका है, जो संत लोग खड़ाऊँ पहनते हैं, खड़ाऊँ पहनते जिसमें अंगूठा पसाते हैं, खड़ाऊँ पाताल लोग को चली गई जिसमें अंगूठा पसाते, वो अंगूठा ब्रह्म खूंटी, इसमें ब्रह्म संहिता में भी कहा गया ब्रह्मा वर्त समम क्षेत्र ना भू मंडले कुचित, यानी पूरी पृथ्वी में बिठूर के समान कोई तीर्थ नहीं है। हर तीर्थ आपको एक नाम से जाना जाएगा, जैसे नैमिष जाइए नैमिषारण, और बनारस जाइए बनारस, हरिद्वार जाइए हर की पैड़े, ये तीर्थ जो हमारा चार नामों से जाना जाता है। इसका पहला नाम पड़ा उत्प्लारण, जहाँ से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। दूसरा नाम पड़ा बृहस्पतिपुरी। तीसरा नाम पड़ा ब्रह्मावर्त। यहाँ 52 राजाओं के 52 घाट बने हुए, आप मेन घाट पे खड़े ब्रह्मावर्त घाट। चौथा नाम पड़ा बिठूर। बिठूर का संध विच्छेद करें, बिठूर का संध विच्छेद करें, वी धन ठौर, वीरों का ठौर, एक से एक वीरांगनाओं ने जन्म लिया, मनुबाई ताता टोपे बाजीराव पेशवा। अब ब्रह्मा जी की वर्णन, ब्रह्मा जी ने यहाँ 99 मर्तबा यज्ञ किया, यज्ञ के पश्चात आधे शरीर से मनु की उत्पत्ति, आधे शरीर से सत्रुपा, मनु सत्रुपा जिनसे भाई है नर श्रेष्ठ रूपा, पृथ्वी में प्रथम जोड़ा आया है तो मन और सत्रुपा का ही जोड़ा आया है, और यहाँ पे ध्रुव जी की तपोभूमि है जहाँ ध्रुव जी ने एक पर से खड़े होके 36 वर्ष तपस्या की है, और यहीं पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, जो वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण लिखी है, और यहीं पे लव और कुश, और यहीं पे जब ब्रह्मा जी चलने लगे
तो बोले प्रभु आपको कैसे जानेगा, तो वही खड़ाऊ ब्रह्मकुटी है, ब्रह्मेश्वर महादेव जो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बालू की बनाई थी पत्थर की, जो आप अभी ने देखा, और बगल में राम लवकुश के बाण अष्टधातु गंगा जी से प्राप्त श्री राम लवकुश के बाण। और आज बहुत बड़ा पर्व मौनी अमावस्या, माँ गंगा के चरणों में जो मौन धारण करके स्नान करता है उसके पितृ सदैव खुश रहते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसीलिए मौनी अमावस्या की महत्ता होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ साल में 36 मेले लगते हैं। 36 मेले कौन कौन से, महीने में एक अमावस्या एक पूर्णमासी दो मेले, इसी प्रकार मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और नाग पंचमी, इसी प्रकार से 32 मेले साल में लगते हैं। 24 मेले हो गए अमावस्या पूर्णमासी और मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और विजय दशहरा जिसको बोलते गंगा दशहरा, ये सब हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। जय श्री राम, जय गंगा मैया। तो जब आप बिठूर में आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह के सामान दिखेंगे, फल प्रसाद जो आपको मिलता है वो इस तरह का मिलता है, और जो आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे से, ये इसको पिपिया भी बोलते हैं एक तरह से, ठीक है, गैलन भी बोलते हैं कुछ लोग, तो ये यहाँ पे क्यों रखी, इसका क्या कारण है? इसके पीछे का कारण ये है कि जो लोग दूर दूर से गंगा स्नान करने के लिए आते हैं वो लोग इनमें गंगा जी का जल भरकर लेके जाते हैं, ताकि घर में कभी भी कोई भी शुभ कार्य हो उसमें गंगा जल का विशेष स्थान होता है। बिठूर में एक ऐसा पेड़ लगा है जो कि दीवार से निकला हुआ है और गंगा मैया के ऊपर तक है, ये ऐसा दृश्य आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नीचे लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए, दबाने से क्या होगा आपको आने वाली मेरी हर अपडेट मिलती रहेंगी, जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा। तो वीडियो खुद भी देखिए, अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को भी दिखाइए, क्योंकि अब मैं मैदान में उतर चुका हूँ एक बार फिर से।